कैम्फोरा, कॉमन नेम कैम्फर, फैमिली लाउरेसी। पेन बेटर व्हाइल थिंकिंग ऑफ इट। सो कैम्फोरा में पेन में तब आराम मिलता है जब उसके बारे में सोच रहा होता है। ऐसा ही हेलोबोरस में भी देखने को मिलता है। लेकिन पेन के बारे में सोचने से अगर कंडीशन वर्स हो जाए तो ऐसा कैल्केरिया फॉस में, हेलोनियास में और ऑक्सैलिक एसिड में देखने को मिलता है। पर्सन्स फिजिकली एंड मेंटली वीक एंड इरिटेबल। तो कैम्फोरा का पेशेंट फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा वीक होता है और इरिटेबल होता है। एक्सीडिंगली सेंसिटिव टू कोल्ड, कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और ऐसा ही सिम्टम सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर हेपरसल्फ में, काली म्यूर में और स्वराइनम में भी देखने को मिलती है। बैड इफेक्ट्स ऑफ शॉक फ्रॉम इंजरी, इंजरी की वजह से जो शॉक हुआ है उसके बैड इफेक्ट्स में इसको दिया जाता है। शॉक क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जब ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया हो, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा हो ऑर्गन्स को, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। सरफेस ऑफ बॉडी कोल्ड, बॉडी की जो सरफेस है वो कोल्ड होती है। फेस पेल ब्लू, लिप्स लिविड। तो फेस पेल पड़ जाता है, लिप्स ब्लू हो जाते हैं। लिविड का मतलब होता है डार्क ब्लूइश ग्रे, यानी कि जैसे एस्फेक्सिया की कंडीशन होती है या ऑक्सीजन की कमी में जो चेंजेज आते हैं वही देखने को मिलते हैं। एंड प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन, प्रोफाउंड का मतलब होता है इंटेंस, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है। सरफेस कोल्ड टू टच येट कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड, सरफेस छूने में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है लेकिन फिर भी उसको कवर किया जाना बर्दाश्त नहीं होता है। कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड, उसको आप कवर नहीं कर सकते, कवर करना उसको बर्दाश्त नहीं होता है। थ्रोज ऑफ ऑल द कवरिंग्स, जैसे ठंडा होता है, 1% ठंड लगती है तो लोग ब्लैंकेट उड़ा देते हैं, चादर डाल देते हैं, बट वो सारी कवरिंग्स को थ्रो कर देता है। ऐसा ही मेडोराइनम और सिकेल कोर में भी देखने को मिलता है। इंटायर बॉडी पेनफुली सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच, पूरा बॉडी जो है वो पेनफुली सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव भी है और अगर कोई हल्का सा भी छू ले तो उसके साथ उसको पेन भी होता है। टंग कोल्ड फ्लैबी एंड ट्रेवलिंग, टंग कैसा होता है? कोल्ड यानी ठंडा, फ्लैबी मीन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लूज, और ट्रेम्बलिंग कांपता हुआ। सडन अटैक्स ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया, बार बार वॉमिटिंग आती है, डायरिया आती है। नोज़ कोल्ड एंड पॉइंटेड, नोज़ जो है वो कोल्ड हो जाती है, पॉइंटेड हो जाती है, टर्जिड हो जाती है। एंग्सियस एंड रेस्टलेस, पर्सन कैसा होता है? एंग्सियस, परेशान है, रेस्टलेस है। स्किन एंड ब्रेथ कोल्ड, स्किन भी ठंडी है, सांस भी ठंडी है। ऐसा वेरेट्रम एल्बम में और जेट्रोफा में देखने को मिलता है। इन फर्स्ट स्टेजेस ऑफ कॉलरा मॉर्बस एंड एशियाटिक कोलरा, बेसिकली ये दोनों एक ही हैं, पर कोलरा मॉर्बस जो है वो पुराना टर्म है, एपिडेमिक्स के लिए यूज़ किया जाता था, बाद में नया टर्म आ गया एशियाटिक कोलरा। और ये दोनों ही कोलरा जो है वो विब्रियो कॉलरी से कॉज होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरिया के, और इसमें बहुत ज़्यादा डायरिया और क्रैम्प्स होते हैं, वॉमिटिंग होती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है अल्टीमेटली। सीवियर लॉन्ग लास्टिंग चिल, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टेम्परेचर डाउन रहता है, ठंड लगती रहती है, तो एक वेरेट्रम में ये सिम्टम देखने को मिलता है। ग्रेट कोल्डनेस ऑफ द सर्फेस विथ सडन कम्प्लीट प्रोस्ट्रेशन ऑफ द वाइटल फोर्स, बहुत ज़्यादा कोल्डनेस होती है सरफेस की और सडन कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन मींस अचानक से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, वाइटल फोर्स बिल्कुल लो हो जाता है। एंड ऑफ एन रेमेडी इन कंजेस्टिव चिल, और कैम्फर को जो है वो कंजेस्टिव चिल में कंसिडर किया जाता है। कंजेस्टिव चिल का मतलब क्या हुआ? जब ब्लड फिल्ड चिलनेस है, मतलब ब्लड भरा हुआ है पार्ट में बट उसके बावजूद भी वो ठंडा है। परनीसियस इंटरमिटेंट, जो चिल है वो कैसा है? ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और इंटरमिटेंट का मतलब बार बार होने वाला, रुक रुक के होने वाला, बार बार आने वाला, तो ऐसा ही इसमें वेरेट्रम में भी देखने को मिलता है। पल्स वीक, एक्सट्रीमली स्मॉल एंड स्कार्सली परसेप्टिबल, पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बाहर से बहुत ही छोटा सा, छोटा सा कहने का मतलब ये पल्स फीबल नहीं है, बड़ा
फील नहीं कर सकते आप उसको, बहुत ही लो पल्स है, स्कार्सली परसेप्टिबल, मतलब बड़ा रेयरली आप उसको परसीव कर पाएंगे, पल्स इतना वीक हो जाता है। मीजल्स एंड स्कारलेटीना व्हेन इरप्शन डज नॉट अपीयर, मीजल्स वही रूबियोला, स्कारलेटीना रेड रेस फीवर, तो इन दोनों कंडीशंस में जब इरप्शन अपीयर ना हुए हों, ऐसी कंडीशन में कैम्फोर इंडिकेट होता है, कैम्फोरा विद पेल और कोल्ड ब्लू हिपोक्रेटिक फेस, पेल मतलब पीला, ठंडा नीला, हिपोक्रेटिक फेस का मतलब होता है ऐसा फेस मतलब देख के लगे कि बस अब मरने वाला है, फेस एज इट अपीयर्स नियर टू डेथ, चाइल्ड विल नॉट बी कवर्ड, और कवरिंग वैसे ही इसको पसंद नहीं है, फेंक देगा, तो बच्चा कवर किया जाना पसंद नहीं करता है, सिकल कोर में भी ये सिम्टम है, एंड ऑल सीक्वेल ऑफ मीजल्स, मीजल्स के सारे आफ्टर इफेक्ट्स में कैम्फर दिया जाता है, सीक्वेल मतलब होता है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ डिजीज़, इंजरी या कुछ भी हो गया उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, इफेक्ट्स आते हैं। रिलेशंस की बात की जाए सो कैम्फर एंटीडोट्स नियरली एवरी वेजिटेबल मेडिसिन, कैम्फर लगभग सभी वेजिटेबल मेडिसिन को एंटीडोट करता है, ऑल्सो टबैको, फ्रूट्स कंटेनिंग प्रूसिक एसिड, पॉइजनस मशरूम्स, टोबैको को भी एंटीडोट करता है, फ्रूट्स को, प्रूसिक एसिड जिनमें होता है या पॉइजनस मशरूम्स को भी ये एंटीडोट कर सकता है। शुड नॉट बी अलाउड इन द सिक रूम इन इट्स क्रूड फॉर्म, कैम्फर को कभी भी पर्सन के कमरे में, जो बीमार पर्सन है उसके कमरे में नहीं रखना चाहिए क्रूड फॉर्म में, क्योंकि इसकी खुशबू से भी जो मेडिसिन है वो एंटीडोट हो सकती है। बाकी कॉलरा वाली कंडीशन में और कैस्ट्रो इंट्राइस्टिस की कंडीशन में इसको जो है वो कंपेयर किया जाता है कार्बोवेज, ओपीएम, विरेट्रम और सिकेल कॉर को। एम्लूरिएशन की बात करें, व्हेन थिंकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कंप्लेंट, जो कंप्लेंट अभी है उसके बारे में सोचने से आराम मिलता है, वार्मेयर से, ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है। नोट फॉर थॉट, ऑल ओवर प्रोग्रेस एज ए स्कूल डिपेंड्स ऑन द राइट व्यू ऑफ सिम्टम्स ऑब्टेंड बाई प्रूविंग विद कैम्फर एंड ओपीएम। हेरिंग सर ने कहा है कि हमारी जितनी भी प्रोग्रेस है एज ए होम्योपैथ, एज ए होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन, एज ए स्कूल, डिपेंड्स ऑन द राइट व्यू ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स का जो व्यू है, राइट व्यू है, उस पर डिपेंड करता है जो कैम्फर और ओपीएम की प्रूविंग से आए हैं। यानी दो मेडिसिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक कैम्फर है, दूसरा ओपीएम है। So thanks for watching, like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, subscribe the channel for more videos on homeopathy.